नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमारे हाथ पैर गर्दन पर मस्से हो जाते हैं और आपने देखा भी होगा कि किसी किसी के ये थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी शेयर करूंगी। चाहे आपके गर्दन, चेहरे या हाथ पैर पर भी मस्से तिल क्यों ना हो, वो इसके 2-3 बार यूज करने से ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और कोई निशान भी नहीं रहेगा। वीडियो जल्दी से देख ही लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी रेमेडी बनाने में, वो पड़ेगी वॉशिंग पाउडर की। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं आपको बताऊँ आप उसी का लें। तो जो भी आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं सर्फ एक्सल यूज करती हूँ, तो 2 चुटकी मैंने ये सर्फ एक्सल की डाल ली है। अब इसमें मुझे एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, सिर्फ 2 चीज़ों से ही रेमेडी बनकर ये तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है चूना, जो पान वाले की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये खाने वाला चूना है, आपको यही लेना है। ये छोटी सी डब्बी में आता है या खुलावी, जैसा भी आपको मिले आप ले सकते हैं। तो मुझे सिर्फ ये भी 1 चुटकी डालना है। तो आप किसी भी माचिस की तीली से ले लीजिए, उससे आराम से इसे निकाल कर और इसमें डाल लीजिए। ये वॉशिंग पाउडर और चूना अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका एक पेस्ट सा बन जाए, तो इसमें हम 1 ड्रॉप पानी की डाल लेंगे। तो आसानी से ये मिक्स हो जाएगा और एक पेस्ट सा बन जाएगा। यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि जब हम इसे मिक्स करें तो हम लकड़ी की स्टिक ही यूज करें। माचिस की तीली से भी ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप इस रेमेडी को यूज करें तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखना आप इसे जैसे ही 2 या 3 बार मुश्किल से लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके तिल और मस्से कैसे गायब हो गए और उन्होंने निशान भी नहीं छोड़ा। अब हमें ये यूज किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इनकी जो बाँह है उस पर ये 2 छोटे छोटे से मस्से हैं। तो हमें किसी भी माचिस की तीली से या लकड़ी की स्टिक से ये चूने वाला जो पेस्ट हमने भी बनाया है ना, उसे लेंगे और देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसे सावधानी से उस मस्से के ऊपर लगा देंगे और ऐसे ही इसे 4-5 घंटे के लिए, या रात को लगा रहे हैं तो पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें। हल्की सी इसमें खुजली सी तो होगी, वैसे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसे आप यूज करके ज़रूर देखें, और आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही काम की रेमेडी मैंने आज आपको बताई है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।